कपकोट तहसील के अंतर्गत ग्राम गुलेर व खर्क कानातोली को जोड़ने वाली सड़क को ठीक किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि सोलिंग के नाम पर सड़क में मिट्टी डाल दी गई है, जिस कारण सड़क में वाहनों का चलना दूभर होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि हल्की सी बारिश में ही सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने इस आशय का एक ज्ञापन भी लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को सौंपा है। आज हम ग्राम सभा खरक कानातोली से काफी लोग आए हुए थे, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में आए। पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में इसलिए आए क्योंकि हमारी एक रोड है जो पीडब्ल्यूडी के अधीन है, उसमें सोलिंग हुई है और सोलिंग होते होते आजकल बारिश के कारण से सोलिंग सारी दब चुकी है, हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसलिए हम एक्शन साहब के पास आए, हमारा कोई मरीज आता है तो उनको हमको डोली पे लाना पड़ता है, बहुत समस्याएं है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं तो उनको बड़ी मुश्किल से कंधे में रख के स्कूल से ऊपर नीचे ले जाया जाता है, बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं और आए दिन बहुत परेशानियाँ होती हैं हमें। हम इसलिए आज एक्शन साहब के पास आए अपनी रोड की समस्या लेके, और एक्शन साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी रोड जल्दी खुलवा देंगे और बहुत जल्दी उस पर काम कर देंगे। हम इस बात से सहमत हैं और एक्शन साहब का आधार व्यक्त करते हैं। इसमें लोगों की समस्या ये है कि चूंकि बारिश हो गई है तो जो कच्ची रोड है उसमें कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण जो है गाड़ी का आने में समस्या हो रही है। तो चूंकि नाली बनाने के लिए वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है गाँव वालों की, तो नाली वगैरह हम जैसे भी चूंकि कुछ डिस्प्यूट हो गया था इसलिए नाली नहीं बन पा रही थी, तो हमने बता दिया जूनियर इंजीनियर महोदय जा करके वहाँ पर जैसे भी से नाली बनवा देंगे। और जो कीचड़ वाला है तो फिर उसमें हम जो है ट्रक से उस पर मलबा भरवा करके और फिर उसको ओपन रोड अपने कर दिया जाएगा, ताकि जो है वहाँ पर गाड़ी आने जाने की असुविधा न हो। CCN न्यूज के लिए कपूर से तनुज तिरुआ की रिपोर्ट।